नमस्ते दोस्तों, दिस इज पीवी जी, लेके आ चुका हूँ और एक अमेजिंग वीडियो। और आज का ये वीडियो है हीरो इलेक्ट्रिक की दो नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की गई है। ऑफ कोर्स दो नहीं तीन लॉन्च की गई, बट हीरो ऑप्टिमा सीएक्स में दो वर्जन्स है, हीरो ऑप्टिमा सीएक्स 2.0 और हीरो ऑप्टिमा सीएक्स 5.0। उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दूसरा जो हीरो का NYX है उसमें भी कुछ कंपनी ने चेंजेस किए, वो भी फिर से लॉन्च किया है। गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इतने डिटेल वीडियो शायद ही आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए क्या किया है हीरो ने ये एक बार देख लेते हैं। आपको पता है AIS 156 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है इसके अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, उसके अनुसार की है। इसमें आपको दिखेगा कि जो बिल्ड क्वालिटी है हीरो ने बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की है। और इन्होंने इसके लिए लुधियाना में नया प्लांट शुरू करने की मतलब घोषणा की है। इसमें आपको दिख जाएगा कि सारी चीजें राइट फ्रॉम द मैट फिनिश ऑन द व्हीकल, या आप बोलो चार्जिंग सॉकेट्स, या जो कुछ है, ऑल दिस इज डन बाय कंसिडरिंग AIS 156। आप ओवरऑल लुक देखो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस हीरो ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। एंड ऑल एंड ऑल इफ यू सी, हीरो इज मेकिंग श्योर कि जो ब्रांड्स है जैसे एम्पियर मैग्नस EX हो गया, एम्पियर का मैग्नस EX है, ओकाया का फास्ट F4 है, इनके साथ इनका कड़ा कंपटीशन चल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट देखिए आप, ओवरऑल मैट फिनिश वाला स्कूटर देखिए अच्छा खासा है। USB इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट आगे मिल जाता है, पीछे BLDC हब मोटर मिल जाता है, पूरा R&D फैसिलिटी लुधियाना में अभी इनका सेट हो रहा है। और आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने पूरा बेस्ट इन क्लास सप्लायर्स अभी ले लिया है। जैसे बैटरी में बैट्रिक्स नाम का बैटरी लिया है, एक्जीकॉम है, यूनो मिंडा है। और आपको ये पता चल जाएगा कि अगर अच्छे डीलर से या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से या अच्छे सप्लायर से अगर ये मटेरियल ले रहे हैं तो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल और अच्छा बनेगा, और उसके ऊपर ही इनकी पूरी कोशिश चल रही है। बात करें गाइज तो जो लुक है इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया, LED DRLs आगे हेडलैम्प में डाल दिया, पीछे भी LED DRLs है, लोगो और सुपरफाइन करके आगे ड्रम ब्रेक दिया है, पीछे ऑफ कोर्स BLDC हब मोटर तो वहां पे भी ड्रम ब्रेक ही है, क्योंकि टॉप स्पीड जो है जो लोअर मॉडल है उसका 45 kmph तक है, जो हायर मॉडल है उसका 55 तक जाता है। जो बैटरी की बात करें तो इंटीग्रेशन दो बैटरी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है CX 5.0, तो ये जो दोनों बैटरी है वो LFP केमिस्ट्री की बैटरी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको अच्छा खासा सेफ्टी मिल जाएगा इसमें, बहुत ही बेहतरीन बैट्रिक्स कंपनी का बैटरी यूज किया गया है। स्लिप मोड इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे दिनों के लिए बाहर जाना है। एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा जो AIS 156 के अनुसार मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ट, IoT बेस्ट बैटरी का BMS काम करेगा। ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स मिल जाएगा जिसमें अगर आप लगाओगे तो डायग्नोस्टिक टूल जो होता है तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हुआ है। लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी दे रहे हैं ऐसा इनका कहना है। AIS 156 सर्टिफाइड इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया है। और अगले स्लाइड में मैं आपको पूरे स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन देने वाला हूं। स्मार्ट डिस्टेंस टू एम्प्टी फीचर ये भी गवर्नमेंट ने AIS 156 के अंडर कंसिडर किया है और कंपलसरी किया है। और बैटरी अलार्म भी बजेगा, अगर कुछ आपके बैटरी में प्रॉब्लम है तो अलर्ट भी आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि समर सीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की भी आशंकाएं बढ़ जाती है। तो आई होप हीरो इलेक्ट्रिक हैज वर्कड टू गिव बेस्ट इन क्लास इलेक्ट्रिक स्कूटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड These two are the guys who are pioneers and leaders of Hero Electric. On the left hand side, आपको जो दिख रहा है, that is Hero NYX, जो एक ज़्यादा load carrying capacity के लिए, अगर आप delivery boy हो या आपको कुछ सामान लेके जाना है, तो looks थोड़े से Hero Optima CX ER, जो बाजू में दिख, ER नहीं बोलते अभी इसको, Hero Optima CX 2.0 and 5.0, उसके comparatively उसका look थोड़ा सा कम अच्छा है, but अगर आपको कुछ delivery करनी है या कुछ सामान लेके जाना है तो ये हीरो ऑप्टिमा NYX इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, दिस इज हीरो ऑप्टिमा CX। अभी इसका कंपैरिजन देखते गाइस, CX 2.0 एंड 5.0 जो डाटा हमें अभी तक मिला है उसके अनुसार मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं। शायद अगर कंपनी ने बाद में डाटा चेंज कर दिया तो मुझे ब्लेम मत कर देना। अभी ये जो डाटा मिला है ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट या हीरो का ऑफिशियल वेबसाइट या न्यूज एजेंसी जिसके थ्रू मुझे मिला है, तो इसमें चेंजेस आगे जाके हो सकते हैं, वी नेवर नो।
बैटरी की बात करें तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये LFP केमिस्ट्री के बैटरी यूज कर रहा है। LFP मींस लिथियम फेरोफॉस्फेट। तो अगर अच्छे क्वालिटी का लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी यूज किया जाता है तो उसमें आपको लगभग 1500 से 2000 साइकिल मिलते हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ साइकिल्स। और अगर आपको इसमें 80 किलोमीटर का भी रेंज मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल में 80 किलोमीटर का रेंज, ऐसे 1500 बार आप कर पाओगे। ऑफ कोर्स विद द यूटिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल 2-3 साल बाद शायद रेंज कम हो जाएगी। तो 80 क्या, मैं सपोज 60 किलोमीटर का ही रेंज पकड़ता हूँ आफ्टर ईयर्स ऑफ 2-3 ईयर्स ऑफ यूजेस, तो 60 किलोमीटर में अगर ये 1500 साइकिल भी चलेगा तो 90,000 किलोमीटर आपके स्कूटर के बैटरी को कुछ नहीं होगा अगर वो LFP केमिस्ट्री का है। और उसमें 1500 से 2000 साइकिल्स होता है, मैंने मिनिमम नंबर कंसिडर किया 1500 साइकिल्स। सो अगर 1500 साइकिल दे रहा है और 60 किलोमीटर चल रहा है तो 15 × 6, आई होप यू नो इट इज 90, सो करीबन 90,000 किलोमीटर तक आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगा। ये बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, 1 लाख किलोमीटर तक ये चल सकता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस ये दिखेगा कि ऑप्टिमा CX 2.0 में 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और 5.0 में 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। तो बड़ा बैटरी पैक मतलब ज्यादा रेंज, उसकी वजह से आपको दिखेगा जो सर्टिफाइड रेंज है ये 113 किलोमीटर का है CX 5.0 में, और CX 2.0 में वो 89 किलोमीटर का है। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए, मैंने हर वीडियो में बोला कि हीरो इज हैविंग वेरी पुअर बिल्ड क्वालिटी। तो अभी बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव होने वाली है और CX 2.0 और 5.0 में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल्स, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड अगर ये रियली हो रहा है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एम्पियर, दिस इज गोइंग टू बी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ओकाया, दिस इज गोइंग टू बी अलार्मिंग सिचुएशन इवन फॉर ओला S1 एयर जो जुलाई 2023 में एक्चुअली मार्केट में आपको डिलीवरी में मिलेगी। तो ये कड़ा कंपटीशन अभी होने वाला है। और अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हीरो हमेशा टॉप 5 सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर में रह चुका है। बीच में हीरो और ओकिनावा में बहुत बुरे एलिगेशंस हुए थे कि वो बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके यहां पे असेंबल करके इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहे हैं, बट उसको बहुत अच्छा काउंटर हीरो ने दिया है ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि AIS 156 के अनुसार अगर ये रियली इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा इन्होंने एक आगे पैर किया है और ये आगे जाके तबाही कर सकते हैं इफ द प्रोडक्ट इज रियली वेरी गुड। एक बार ये मार्केट में आ जाए तो मैं टेस्ट राइड भी दिखा दूंगा। तो दोनों में LFP केमिस्ट्री का बैटरी है, जो 2.0 है उसमें 2 किलोवाट आवर का बैटरी है, जो 5.0 है उसमें 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसके वजह से रेंज में डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर मोटर की बात करें तो दोनों में 1.9 किलोवाट पीक पावर वाला BLDC हब मोटर मिलता है। अभी मुझे ऐसा पता चला कि IP67 रेटेड है, बट आई डोंट थिंक IP67 रेटेड अगर होगा तो तबाही है, मतलब कंप्लीटली वाटरप्रूफ मोटर होगा। बट ये BLDC हब मोटर है तो ये पहिए में बैठता है, तो इसका जो वाटरप्रूफिंग है वो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता जितना AC मोटर में है, जो ओला में है, जो एथर में है, बजाज चेतक में है। इनमें जो AC मोटर है वो डायरेक्टली पहिए में नहीं होता, तो उसके वजह से जो जग्स बैठ रहे हैं, जब आप पॉटहोल्स में से जाते हो, रोड के ऊपर से जाते हो, तो जग बैठते हैं वो डायरेक्टली मोटर को नहीं बैठते। वेयर एज इन BLDC मोटर, ये अगर आपका पहिया है तो पहिए में ही पीछे मोटर लगा है, तो अगर आप खड्डे बिड्डे में से जाओगे तो डायरेक्टली जग मोटर पे बैठेगा। तो आई डाउट कि IP67 रेटिंग ये कितने टाइम तक आपको दे पाएगा। अगर बात करें टॉप स्पीड की तो यहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा, CX 2.0 जो है उसमें 48 kmph का टॉप स्पीड है और 5.0 में लगभग 55 kmph का टॉप स्पीड है। तो टॉप स्पीड मायने रखता है, बट आई थिंक सिटी के लिए दिस टॉप स्पीड इज सफिशिएंट। एंड 48-55 टॉप स्पीड से अगर आप गाड़ी चलाओगे तो ऑफ कोर्स आपको रेंज कम मिलेगा, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप कॉन्स्टेंटली 30-35 स्पीड से गाड़ी चलाओगे, 30-35 kmph, तो आपको बहुत बढ़िया रेंज निकल के आएगा, नॉट ओनली फॉर हीरो बट ऑल द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड राइड द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इको मोड। इको मोड में चलाओगे तो रेंज ज्यादा मिलेगा, तो उसी साइकिल में अगर रेंज ज्यादा मिल रहा है तो कंप्लीट जो लाइफ है इलेक्ट्रिक स्कूटर का वो ज्यादा किलोमीटर आपको दे पाएगा। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। टॉप स्पीड के पीछे मत भागो, इको मोड में गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छा जाओगे। अगर वारंटी की बात करें तो ये डाटा मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर साहब ने दिया है, और इवन मैंने जो आपको वीडियो दिया वो
हमारी एक सब्सक्राइबर मैम है, आई थिंक उनका नाम है अरोरा, उन्होंने मुझे भेजा था। बहुत अच्छा लगा कि सब्सक्राइबर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हम साथ में मिलकर कुछ बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा एक कम्युनिटी मैंने बनाया है, पीवीजे एजुकेशनल कम्युनिटी, आप उसको जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक डाला है, प्लीज उस लिंक के जाकर टाइप कीजिएगा और कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। आगे जाके मैं आपको उस कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें देने वाला हूं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कुछ पेड होगी, तो आप उसके ऊपर से राह देख सकते हो आपको क्या करना है। तो बैटरी वारंटी इसमें 4 साल की मिल जाती है और व्हीकल वारंटी 7 साल की मिल जाती है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स, ऐसा कंपनी का कहना है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो 90,000 एक्स शोरूम प्राइस लगभग CX 2.0 का होगा और लगभग 1,15,000, अभी एग्जैक्ट प्राइसेस सामने नहीं आए हैं, ये होगा ऑप्टिमा CX 5.0। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है जिसमें आपको अपडेटेड बैटरी पैक मिल जाए, BMS जो है वो IoT एनेबल्ड हो, माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड BMS हो, LFP केमिस्ट्री का बैटरी हो, तो आपको हीरो एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अभी क्या करते हैं, हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं एंड लेट्स चेक वेदर दे हैव डन समथिंग ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट और नॉट। तो मैं ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं, दिस इज heroelectric.in, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हीरो इलेक्ट्रिक। एंड जब मैं लैंडिंग पेज पे आता हूं तो पहले मुझे ये दिख जाता है Zippy सेफ एंड रिस्पॉन्सिव, ये है बैटरीज विद इंटेलिजेंस IBDS, बैटरीज विद इंटेलिजेंस, देन BMS विद जीरो एनर्जी वेस्टेज, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है जो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है उसमें जीरो एनर्जी वेस्ट होगा, एंड DTE मींस डिस्टेंस टू MT। तो ये आपको एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे दिखाएगा कि कितने किलोमीटर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर जा सकती है अगर आपका बैटरी आप पूरा डिस्चार्ज करोगे तो। तो ये बहुत अच्छी बात है और लुक दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, ब्लू कलर में। बट जब मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूं और CX पे जाता हूं और CX पे जाके मैं ऑप्टिमा पे जाता हूं तो यहां पे मुझे पुराने ही दो स्कूटर्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट अपडेटिंग देयर वेबसाइट, विच इज अ वेरी इजी टास्क। इफ यू आर लॉन्चिंग योर इलेक्ट्रिक स्कूटर यू शुड बी एबल टू अपडेट द वेबसाइट इमीडिएटली, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अगर मैं यहां पे जाऊं, गूगल पे जाऊं और हीरो इलेक्ट्रिक डालूं और यहां पे अगर मैं सर्च में डालूं 5.0, ओके, तो यहां पे मुझे मिल जाता है लिंक हीरो ऑप्टिमा CX 5.0। मैं लिंक अगर ओपन करूं तो यहां पे 404 पेज नॉट फाउंड ऐसा आ रहा है। तो ये क्या चल रहा है? अगर आप इतनी बड़ी कंपनी हो हीरो इलेक्ट्रिक तो आप डाटा तो अपलोड कीजिए, या अगर आपको डाटा नहीं दिखाना है तो ये लिंक ही बंद कर दीजिए। क्यों आप लिंक गूगल सर्च पे लेके आ रहे हो? दिस इज अ वेरी बैड थिंग इफ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई फील, उन्होंने ये निकालना चाहिए। अगर लगाना है तो अच्छे से लगाओ, एक ही बार लगाओ। अभी AIS 156 जो है वो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है, लाने वाला है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, जिसमें आपको कुछ चीजें करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चीजें क्या है, फेज वन में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इट इज रिक्वायर्ड टू बी रन बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, मेकिंग इट स्मार्टर एंड फास्टर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर ये जो कॉम्पोनेंट्स है ये कंप्यूटर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में, कैमराज में हम यूज करते हैं, जिससे आपका सिस्टम और स्मार्ट बनता है। तो वैसे ही माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर बेस्ड आपको BMS देना पड़ेगा इन फर्स्ट फेज, एंड दिस विल मेंटेन बैटरीज ऑपरेशंस विद इन द सेफ टेंपरेचर लिमिट्स, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जली इंडिया में समर सीजन में, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए AIS 156 गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। इट विल ऑल्सो क्विकली डिटेक्ट एनी एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट्स इन द व्हीकल और चार्जर एंड आइसोलेट द बैटरी फ्रॉम एनी मिसहैप। तो अगर गाड़ी में कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कुछ वायरिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बैटरी को वो इमीडिएटली BMS जो है वो अदर सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देगा, तो बैटरी आपकी सेफ रहेगी। Furthermore, the cells used in battery pack must be thoroughly tested to meet IS Indian standard 16,893 cell testing requirement. तो इंडिया का एक स्टैंडर्ड है इंडियन स्टैंडर्ड 16893, इसके अनुसार आपका सेल टेस्टिंग होना चाहिए एंड जो सेल में स्पेसेस दिए हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए टू प्रिवेंट थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे में क्या होता है, एक सेल जो है अभी जो बैटरी पैक बनता है वो बहुत सारे सेल सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके बनता है, तो थर्मल रन अवे में होता क्या है कि एक सेल खराब हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, उसके वजह से दूसरा सेल जो बाजू में है उसमें हो जाता है, ऐसा कंटिन्यू होते रहता है, तो बहुत सारे सेल्स इसमें जल जाते हैं और आपकी बैटरी जलती है। तो एक्सटर्नल फ्यूज जो सेफ्टी देगा ये भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ये फेज वन का काम है और ये हीरो इलेक्ट्रिक ने, एम्पियर ने, बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने अडॉप्ट कर लिया। फेज टू में आपको IP67 मतलब कंप्लीटली वाटर प्रूफ इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको देना पड़ेगा, ऐसा कहना है। दिस मीन्स दैट बैटरी यूनिट वुड बी रिमेन अनइफेक्टेड विथ इवन फुल्ली इमर्ज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। तो
30 मिनट तक आपकी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पानी में डूबी रहे फिर भी उसको कुछ नहीं होगा, अगर आपका वो IP67 सर्टिफाइड है तो ये आपको बैटरी में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर बैटरी पैक इज रेजिस्टेंट टू द थर्मल प्रोग्रेशन। थर्मल मैनेजमेंट और थर्मल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा कंट्रोल में रहना चाहिए, एंड यही जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है गाड़ी को आग लगने की वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। ऑल बैटरी पैक्स मस्ट हैव एटलीस्ट 4 टेम्परेचर सेंसर्स टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बैटरी है उसको कुछ सेंसर्स लगाए जाएंगे, वो कंटिन्यूअसली जो सेंसर्स है वो टेम्परेचर सेंस करेंगे और उसके अनुसार अलार्म देंगे राइडर को कि भाई बैटरी का टेम्परेचर एक्सेसिवली बढ़ रहा है तो आपको स्पीड कम करना चाहिए या कुछ देर के लिए आपने गाड़ी बाजू में लगा देना चाहिए ताकि वो जले ना। तो ये बहुत अच्छी कुछ चीजें हैं जो AIS 156 बोलता है। आई होप मैंने जो डिटेल वीडियो आपको बना के दिया हीरो इलेक्ट्रिक पे, AIS 156 पे अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, बट जो कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट थरोली। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। PVJ तस्वीर वाला तो है ही, बट अभी PVJ टेक्निकल नाम का भी ये मेरा जो है इंस्टाग्राम हैंडल वो अवेलेबल है, उसके ऊपर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।